بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم ما صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعوزي بنان درود و سلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهلنا أشقالنا إمداد كن أز بحر غم آزاد كن
दर्दीना दुनिया शाद कुन या सैयदीना वसना दिना या शेख अब्दिल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी अल हसनी वल हुसैनी गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा या साहिब अल जमाल व या सैयद अल बशर मिन वजह कल मुनीर लकद नुविर अल कमर ला युम्किन सना कमा कान हक्कुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर ए कुरान नूरानी शीशा अति रब दारा बतलावे जे कोई सिते अमल कमावे ते यारो सीधा ही जन्नत जावे। हम तो सना तारीफ उस खाल के कहनात वास्ते जो सारी कहनात आ खालिक मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने दरूदो सलाम तो आड़े ते मेरे आका इमानत जानत वाली इमामुल अंबिया हबीब किबरिया अशरफुल अंबिया शबे अशरा के दुल्हा हसनैन करीमैन के नाना जान सैयदा तैयबा ताहिरा नय्यरा मुनव्वरा सैयदुन्निसा फातिमा तु जहरा सलामुल्लाह अलिया दे अब्बा जान इमामुल अंबिया अहमद मुजतबा हजरत मुहम्मद मुस्तफा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम दी बारगज हदियतन तोहफतन अकीदतन नजरनतन दुरूद व सलाम पेश करने तो बाद बंदना चीज ने तुहाडे सामने अल्लाह दी ला रहा है बेअब किताब कुरान मजीद फुरकाने हमीद दे पहले पारे सूरत बकरा दिए चंद कलमात तिलावत करने शरफ हासिल कीता है। दुआ करो खालिक कायनात तुहानू ते मैनू सुन सुना के इस दे अमल दी तौफीक अता फरमावे और नाल मनन दी तौफीक अता फरमाए। चूंकि कल रात बड़ी अजमता वाली शाना वाली रात लैलतुल कदर दी रात है और जिस दे हवाले नाल जश्न नजूले कुरान दे हवाले नाल महाफले पाक दा तमाम इंतजाम कीता जांदा है और चूंकि मैं जुमे के मौके पर जामिया मस्जिद बहारे मदीना दिलदारे आबादी रहमे शाह के अंदर मौजे सुखन मनाना चाहना साहेबे कुरान और अजमत कुरान और कुरान पाक की अजमत वराल वरा है मेरे और तेरे महबूब इमामुल अंबिया अलैहि सलाम साहिबे कुरान ने पहले साहिबे कुरान ने बाद च कुरान ने मेरा ते तेरा नबी मक्के विच जावे ते कुरान मक्के च पिछे
और जे मेरा ते तेरा नबी मदीने जावे तो कुरान मदीने ते ऐसे वास्ते सिया ने सूरत मक्की ते सूरत मदनी, क्योंकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम मक्की भी ने ते मदनी भी ने। और जो मेरे आका मक्के में तशरीफ ले जान ते अल्लाह का कुरान नाजिल होए सूरत नाजिल होवे तो अल्लाह ताला दे महबूब जदों मक्के च होण ते सूरत मक्की बन जाती है। ते जे तेरा ते मेरा नबी मदीने च ते उत्थे सूरत नाजिल होवे कुरान दी आयत नाजिल होवे ते मदनी बन जाती है। मेरा नबी जे गार च गया सान यसनैन इज हुमा फिल गार फिर उत्थे कुरान गार च नाजिल हो गया। अगर मेरे आकल इस्लाम बिस्तर नबूवत ते ने तो कुरान बिस्तर नबूवत ते नाजिल हो रहा है। मेरे आकल इस्लाम अगर बाजार के अंदर जा रहे ने कुरान उत्थे नाजिल हो रहा है। मेरा नबी अगे अगे कुरान पिछे पिछे। अल्लाह अकबर। जैसे कि अल्लाह का कुरान कहता है खालिक कायनात ने कुरान पाक सूरत बकरा के अंदर फरमाया हर मसालक वाले पढ़ देने अलिफ लाम मीम पढ़े लिखे बैठे ने दरवेश लोग बैठे ने साहिब निस्बत आज तक किसे मसालक ने इस अरूफे मुकत्तियात अलिफ लाम मीम दा तर्जमा कीता किसे भी नहीं तर्जमा कीता। अगर तर्जमा जानदा है खुदा जानदा है या मुस्तफा जानदा है जिब्रील आए अलिफ फरमाया अलिम तुम्हें जानना लाम मेरे आका अली सलाम ने फरमाया अलिम तुम्हें जान गया मैं जानना मीम फरमाया मैं जानना इंदा आज तक किसे तर्जमा किसे मुहद्दिस ने नहीं कीता मुहक्किक नहीं कीता किसे मुफस्सिर नहीं कीता और किसे मौलवी आलिम दीन ने किसे भी नहीं कीता। और साडे बुजुर्गान दीन भी फरमा देने उलमाए किराम फरमा देने इस तर्जमे दे अंदर बल्कि इसकी हकीकत खुदा जानदा या इस तर्जमे दे बारे अंदर खुदा जानदा या मुस्तफा जानदा है। और अगे हर मसलक आला भी तर्जमा कर रहे जालिकल किताब ला रही बफी हूँ जरा गौर करना ग्रामर वाले जानते ने समझते ने इस गल किताब है यार सोचने वाली गल है ये नहीं आख्या कि बोला पीर जी ये नहीं आख्या ए ओ किताब है जिस किताब च शको शुबा की गुंजाइश नहीं। तुसी गलती भी तस्लीम नहीं कर सकते हो गलती दूर की गल है उन्हें शक भी नहीं कर सकते हो ये लारैब किताब है यारो कुरान लारैब है जिस ते कुरान नाजिल होया साहिब कुरान बेऐब है ये कुरान है और लारैब है बेऐब है इस दे अंदर कोई शको शुबा की गुंजाइश नहीं। अजीजा ने ग्रामी कदर तुरात तुरात शरीफ जबूर इंजील और बेशुमार सहीफे और किताबों के अंदर अल्लाह ने कुरान का जिक्र किया और नाल साहिबे कुरान का भी जिक्र किया। तौरात शरीफ के अंदर जिथे अल्लाह के कुरान का जिक्र है नाल ही साहिबे कुरान का जिक्र है। इंजीले मुकद्दस के अंदर जिथे कुरान का जिक्र है साथ साहिबे कुरान का जिक्र है। जिथे इंजील के अंदर कुरान का जिक्र है साथ साहिबे कुरान का जिक्र है। और तमाम सहीफिया के अंदर जिक्र कुरान भी है और जिक्र खुदा भी है और जिक्र मुस्तफा भी है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह ने मूसा कलीम अलैहि सलाम ने फरमाया ए मूसा अलैहि सलाम को तूर ते आके तुरैत ले जा। जुमला पीर जुमला पेश करना तुरैत
आके कोतूर ते आके लै जा। ए ईसा ले सलाम, इंजील लैन वास्ते इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हजरत दाऊद अली सलाम आके सबूर ले जा, हजरत ईसा ले सलाम, हजरत मूसा ले सलाम, हजरत दाऊद अली सलाम, ए अल्लाह के नबी ने इन्हां ते जिहड़ियां किताबां नाज़िल होईयां ए नबी जाके लेके आए। पर मेरा नबी मक्के विच जाए ते कुरान मक्के च, मेरा नबी मदीने जाए कुरान मदीने जांदा है, मेरा नबी गार च जाए कुरान गार जांदा है, मेरा नबी मोहरे नबूवत आप नकी करे तो खातम नबी गीत दा लकब कुरान च। आहा, मेरा नबी खाना खावे तो कुरान नाजिल होंदा है, मेरा नबी पानी पीवे कुरान नाजिल होंदा है, वत हाँ चेहरा संभाले तो कुरान नाजिल होंदा है, जुल्फा संभालन कुरान नाजिल होंदा है। इंज कह दिए मेरे करीम आकाली सलाह, कुरान पीछे साहब कुरान, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे करीम आकाली सलाह तो सलाम दे गुलामो, पता लग गया मेरे करीम आकाली सलाम की अजमत शान वराल वराए। अजीजा ने ग्रामी कदर आलम तसव्वुरात के अंदर पूछने, मैं तुराज शरीफ को पूछे आओ, तुराज शरीफ को पूछा तुरैत अल्लाह दी ला रहा बेअब किताब, तेरा नाम की है, तेरा नाम की है, तेन भेजन वाला कौन है, लैके आने वाला कौन है, किन्ने वाला आई है, दिन आई है रात नो, तो रैत शरीफ ही खामोश है। इस तरह जना मेरा इंजील को पूछा है अल्लाह दी ला रैब, जिल इंजील प्यारी किताब है दस, तेन भेजन वाला कौन है, तेन लैके आने वाला कौन है, तू कि नबी वाल आई है, तो किड़े वाल आई है, तो कदों आई है, रात में आई दिन आई है, इंजील भी खामोश है। जबूर को पूछा जबूर, तू भेजन वाला कौन है, लैके आने वाला कौन है, किन्दे वाल आई है, कदों आई है, दिन नू आई है कि रात नू आई है, लेकिन इंजील भी खामोश है। सहीफिया को पुछया, किताबों को पुछया, सहीफिया को पुछियो, तमाम सहीफिया भी आओ सारे खामोश हो गए ने, लेकिन अल्लाह के कुरान को पुछया, ए अल्लाह का कुरान दस दो भेजन वाला कौन है, अल्लाह का कुरान दैनो नज़िला ली रब्बिल आलमी, मैनू नाजिल करने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन है। फिर कुरान को बोल छियो, ए अल्लाह दी प्यारी कलाम तेनू लैके आने वाला कौन है, फरमाया जिब्रील रूहुल अमीन, जिब्रील अलैहि सलाम मैनू लैके आने वाले ने। फिर अल्लाह दे कुरान को पुछया किने महीने आया है, कुरान बोल के आंदा कुरान पढ़ो शहर रमदान लजी उनसिला फील कुरान, अल्लाह का कुरान आंदा है मैं रमजान मुबारक के अंदर नाजिल आया। फिर अल्लाह के कुरान को पूछिया, ए अल्लाह का कुरान तो दिन आया ही रात नु आया, अल्लाह का कुरान आंदा है इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, मैं लैलतुल क़द्र दी रात नु नाजिल आया, मुकम्मल अकमल नाजिल आया। फिर अल्लाह के कुरान को पूछने आओ, ए अल्लाह का कुरान तेरा नाम की है, अल्लाह का कुरान बोल के आंदा रहमानो अल्लामल कुरान, ते किन्ने वाला है खालकल इंसान, ते मैं जी आखा का कुरान को पूछ आओ, ए अल्लाह का कुरान तू तो किड़े नबी वाला है, अल्लाह का कुरान दे मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर्रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि वखातमन नबी। मैं आखिरी
नबी रहमत लिल आलमीन ते नाजिल होया पता लगिया कुरान नु पता लगे भेजन वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन लेके आने वाला जिब्रील अमीन ते रमजान अल मुबारक दे महीने आया रात लैलतुल कदर दी है अल्लाह अकबर जेडी हजार महीने नालों अफजल थी आला अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कुर्बान जावा मेरे करीमा कल इस्लाम दे गुलाम हो मेरे आका इस्लाम ना प्यार करन वाले हो कुरान को पूछने आओ ए कुरान जवाब दे सवाल करने कुरान तू किन्ना वलाया है फरमा हुदल्लिन्नास लोगा दी हिदायत ले आया ते फरमाया पता लग्या कुरान ए मोमना ले शिफाए और मोमना ले रहमत अगर कुरान मोमना ले शिफा हो सकता है ते जेड़ा साहबे कुरान है अताई अता मदीने दी मिट्टी उठा ले ते खा ले शिफाई शिफा मदीने दी मिट्टी पता लग्या जे कुरान शिफा है मोमना ले और मेरा नबी अलैहिस्सलाम शफी अल मुज़नबीन अल्लाह अकबर कुर्बान जावा कौन मेरे करीम अकाली सलाम और दबरानियो नबी दे मस्तानियो परवानियो कुरान अल्लाह दा कुरान है ए मोमना वास्ते रहमत बन के आया है मोमना वास्ते बोलो मोमना वास्ते रहमत बन के आया है ते जड़ा ए कुरान मोमना ले रहमत ते जड़ा साहबे कुरान है जिंदे बारे अंदर खालके कैनात ने फरमाया वमा अरसल्ला का इल्ला रहमत लिल आलमी पता लग्या कुरान मोमना ले शिफा है ते कुरान किनू शिफा देंदा है बोलो मोमना नू बाबा तेरी गल बड़ी पत्ते दी आ रही है सानू लोग आंदे ने की रखिया है कुरान पढ़ के ते हदी ऐ फूके मार दियो सूरतां पढ़ के है मैं क्या पता लग्या कि जी ओ शिफा तो होंदी नहीं मैं क्या तुहानू कदों वेख है उन्हां वास्ते जिहड़े मोमिन हैं ये कुरान किन्हां वास्ते शिफा है मोमना वास्ते आमा वास्ते अल्लाह अकबर कुर्बान जावा मेरे करीम आका अली इस्लाम दे गुलामो मेरे आका अली इस्लाम दो रहमत लिल आलमीन अगर कुरान रहमत हो सकता है तो साहबे कुरान भी साहबे कुरान भी रहमत अल्लाह अकबर कुर्बान जावा मेरे करीम आका अली इस्लाम दे गुलामो मेरे आका अली इस्लाम नाल प्यार करने वाले हो आओ मैं हदीस मुबारक बयान करूँ हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला रावी ने सही मिश्कात के अंदर हदीस पा के मेरे करीम आका अली सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया हो जिस दे जनाबे वाला सीने के अंदर अल्लाह का कुरान होवे जिंदे सीने में अल्लाह का कुरान होवे ओ जहन्नम जा सकदा नहीं जहन्नम दी आग ओनू साड़ नहीं सकदी जहन्नम दी आग ओनू जला नहीं सकदी और जनाब आमिर बिन उकबा ए भी मुस्लिम शरीफ दी हदीस पाक जल्द नंबर 2 सफा नंबर 186 हदीस दा पासा सजाए 314वीं लाइन हदीस दे अंदर मेरे करीमा का दे सियावी हजरत जनाब वाला प्यारे सियावी बड़ी प्यारी रवायत कर रहे ने आमिर बिन उकबा रवायत कर रहे ने मेरे नबी ने फरमाया अगर कुरान नु चमड़े दे अंदर बंद करके अग दे विच उस जनाबे वाला रखिया जाए अग चमड़े नु असर क्यों क्यों हुण जरा गौर करना क्यों नहीं असर करेगा क्योंकि चमड़े दे अंदर अल्लाह दा कुरान है अल्लाह दा कुरान बोलो अल्लाह दा कुरान है अल्लाह दा कुरान है ते यारो जिंदे सीने च अल्लाह दा कुरान है ओ बच्चा हाफिज़ कुरान होए कारी कुरान होए आओ मैं अल्लाह दा कुरान पढ़ना सब तो अफजल थी आला ओ कौन है अल्लाह दा कुरान आंदा है केड़ा कुरान हो जरा पढ़न पढ़ान आलो सिखन सिखाना खैर उम्मतुल तअल्लमल कुरान
कुरान सीखने वालो कुरान सिखाने वालो और भी तर्जमा कर देने हो जरा कुरान पढ़ता है पढ़ाता है अल्लाह अकबर कुर्बान जावा मुसलमान हो वो बंदा सब तो आला है अफजल दौर के अंदर अज असी उस बंदे आने जरा वजीरे आला हो आला है वजीरे आजम आला हो फला जरा मुशीर आला है फला वजीर आला है फला मार साहब आला है फला चौधरी साहब आला है फला रो साहब आला है मैं अल्लाह दे कुरान को पूछना हो अल्लाह दे कुरान ए दस ले अफजल ते आला कौन है फरमाया कुरान पढ़न पढ़ान आला आला है और कुरान पढ़न पढ़ाने वाला लाओ कारी जनाबे वाला बड़ी मोहब्बत वाले किबला पीर मोहम्मद अजीम मोहम्मदी साहबी साहब आज सारे कुरान पढ़ाते ने आज जड़े सी सुन्नी बरेलवी ए साधे जे भोले भाले मौलवी जी कुरान पढ़ाना है बच्चे नो हाफिज कराना है लेकिन मेरे आका दी हदीस होना अगर तो उन्होंने कोल ए भी होवे ते मैं तैनू कहना बच्चे अज नहीं कल नहीं अज भेज मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलाम ने मिंबर ते उत्ते बह के ना बुखारी दी हदीस पे पढ़दा कुरान तो बाद दर्जा किसदा है किबला पीर जी बुखारी शरीफ दा ऐ जेड़े लोग हाफिज जी मौलवी जी कुरान ही पढ़ाना है वह भी कुरान पढ़ते हैं असं भी पढ़ने हैं खुदा दा नाम हाथ हौला रखिया करो हुण कुरान तो सारे पढ़ाते ने कुछ बेगैरती भी कर देते हैं सारे नूं समझ लग गई होनी लेकिन कुरान वह भी पढ़ते पढ़ाते हैं जो हलक उत्ते है उन्होंने अकीदे को तबाह करके रख देंगे बर्बाद करके रख देंगे मौलवी जी तुम गल कर रहे हो मैं क्या हदीस पढ़ने बुखारी शरीफ बिना इश्के मुहम्मद बिना इश्के मुहम्मद जो पढ़ते पढ़ाते हैं बुखारी होता है बुखार उनको आती रही बुखारी है मत मारी बुखारी शरीफ के अंदर मैं जुमला देना चाहना जरा गौर के नाल समाप्त करना मेरे मुस्तफा करीम मिंबर ते तशरीफ फरमाने मेरे नबी ने फरमाया ए मेरे सियाबा आ मेरी उंगला वल वेखो जदों सियाबा ने हजूर दे उंगला वल वेखिया मेरे नबी ने फरमाया एक अल्लाह दा कुरान है दूजी मेरी आल है एक अल्लाह दा कुरान है दूजी मेरी आल है फरमाना कुरान नु छड्या जे ना मेरी अगर बेलिया कल्ला कुरान पढ़दा ते आल नु मुंह मोड़दा ते फिर ना पढ़ावी उस कोल कारी कुरान पढ़ाई जड़ा मुहब्बत दे नाल कुरान पढ़े और मुहब्बत रसूल दा सबक देवे ला यूमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैही मिन वलदिही व वलदिही व नास अजमाईन उस माँ बाप नू बहना भरावां नू सारे नू वध के अल्लाह दे हजूर अल्लाह दे महबूब अल्लाह दे प्यारे नाल मुहब्बत ना करे वो बंदा मोमिन हो सकता तो मैं मोड़ा टके गल नू रिपीट करन लगा मोमिन वास्ते कुरान शिफा है मोमिन वास्ते कुरान रहमत है अल्लाह अकबर कुर्बान जावा हाफिज़े कुरान की बड़ी शान है अल्लाह अल्लाह कुर्बान जा मेरे करीम आका दे गुलाम हो मेरे आका अली सलाम ने फरमाया ए हाफिज़े कुरान का मुकाम बयान फरमाया है जदों कुरान हाफिज़ नो जनाब किबला मोहतरम भाई मतलूब साहब बड़े मुहब्बत वाले लोग प्यार वाले लोग आ रहे ने अल्लाह अल्लाह अकबर मेरे नबी पाक ने फरमाया हाफिज़े कुरान अल्लाह ने फरमाना जा तू जन्नत चला जाओ अल्लाह की बारगाह के अंदर हाफिज़े कुरान अर्ज करेगा अल्लाह मैनू जन्नत वास्ते हुक्म दे दिता है तू जन्नत चले जाओ अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा हाफिज़े कुरान ठहर जाएगा रुक जाएगा रुक जाएगा रुक जाएगा अल्लाह फरमाएगा ये हाफिज़े कुरान तू जा नहीं रहा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज करेगा या अल्लाह तेरा हुक्म है अल्लाह फरमांदा है जेड़ा कुरान दा हाफिज होएगा ओ जनाबे वाला कल क्यामत वाले दिन अपने सत पुश्ता नु बख्शा लेगा अल्लाह तू मैनू बख्श दिता है ते मेरे माँ बाप नु भी बख्श दे मेरे सत्ता पुश्ता नु बख्श दे अल्लाह फरमाएगा जा तेनू बख्श दिता है हुण जरा गौर करना हुण हाफिज़े कुरान जनाब जदों जन्नत की पहली सीढ़ी तो चढ़ेगा अल्लाह फरमाएगा इत्थों शुरू कर दे अलीफ कलेमात में पहले तिलावत कीते अलीफ लाम मीम ए तू शुरू कर ले अलीफ तू लेके वन नास दी सी
हाली तो इब्तदा है तो वेखो ना टाइम कितने पहुँच गया है। यकीन कर जाओ तुहाडा आबादी आए हो बड़ी मुहब्बत आए हो जो तुम टाइम ना तशीफ लिया तवज्जो मेरे करीम आका अली इस्लाम के गुलामो सही बुखारी के अंदर हदीस है पा के एक हजूर का सियाबी हाफज कुरान से इतने जरा गौर करी इंशाल्लाह तेरा ईमान ताज़ा होगा तो कुछ जवाब कोई सवाल करे मुँह ते रख के रखी ना जवाब किमें नवी नवाब सुन साडा जवाब मेरे मुस्तफा करीम का सियाबी सिर्फ कुल शरीफ पढ़ता सी हर नमाज की पढ़ता सी कुल शरीफ तो जो नमाज पढ़ाता सी तो कुल शरीफ ही पढ़ता सी कुल हो वल्ला हो हद ये सूरत इखलास की तिलावत करता सी मेरे मुस्तफा की बारगाह किसी शिकायत कर दे शिकायत लाने भी रिकॉर्ड होते हैं कुल तो सिवा होर कोई सूरत आती नहीं तो नाले आता मैं आप जो कुरान हाँ मेरे मुस्तफा ने फरमाया भी तू क्यों नहीं पढ़ता आंदा सोने मैनू इस सूरत इखलास नाल मुहब्बत ही नहीं है और मेरे मुस्तफा ने फरमाया ए मेरे सहाबा सुन लो जिन्हें जन्नती वेखना है इनू वेख लो जेड़ा कुल हो वल्ला हो आहद इस सूरत नाल मुहब्बत करेगा अल्लाह की कसम है मेरे मुस्तफा ने फरमाया जन्नती है कुरान पढ़े कुल शरीफ पढ़ने वाला जन्नती हो सकता है तो जरा अलिफ लाम मीम तो लैके वन नास की सीन तिकर यार ये आम बंदे जन्नती की शान है तो जरा जन्नत के सरदार ने हसनैन करीम है ने अल्लाह अकबर जेडे सैयद हजारा पाक जन्नती औरतों की सरदार ने जेडे जन्नत के मालिक जन्नत के मालिक मुस्तफा होन ते मेरे आका अली सलाम हौज़े कौसर दे मालिक होन यारो अजीजा ने ग्रामी कलो हो अल्लाह हद आओ मैं थोनो जना पला पाक पतन की धरती लै जाना हजरत बाबा फरीदुद्दीन सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह आपने जाके उथे डेरा लाया है ए अजीजा ने ग्रामी कदर एक माई बच्चा बुखार ना तड़प रहा है तड़पदा आ रही आई हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताज दारे बाबा फरीद पाक पदन वाली सरकार आप ते कुल माई साहिबा आई ने फरमाया हुजूर मेहरबानी करो मेरा बच्चा जेड़ा है बुखार बड़ा है बीमार लाचार है बैठ नहीं सकता इतना भला तड़पी जा रही है इन्ना बुखार हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह आपने पढ़िया बिस्मिल्लाह रहमान निर्रहीम ते पढ़िया कुल हो अल्लाह अहद अल्लाह समद जदों कुल हो अल्लाह पढ़िया है इधर खुदा की कसम आई आती है जिमें बाबा फरीदुद्दीन कुल हो अल्लाह पढ़ते जा रहे ने नाल नाल बुखार उतरता जा रहा है बुखार उतरता जा रहा है बुखार भी उतरता जा रही आई हूँ जरा बच्चा मेरा तंदुरुस्त हो गया सेहत याब हो गई आई आप जनाब भाई साहब आओ फरमा दिया ने मैं बड़े दिनों बाद मैं जनाब दिनों बाद एक मौलवी खुल गई हाँ जिमें अज बाल लैके जनाब लाओ साढ़िया मावं भैन आ जाए बच्चे लैके कारी साहब आफे जी इनू दम कर दियो इनू जनाब वाला दम दरूद कर दियो अजीदा ने ग्रामिक एक दिन महल्ले दे मौलवी साहब कोल गई है मौलवी जी बच्चा बड़ा बीमार है ए बच्चा बड़ा लाचार है मेहरबानी कर दियो दम कर दियो हुण कहन लगा मौलवी कहन लगा ए जे बाबा फरीद त्रै वारी कुल शरीफ पढ़े सूरत इखलास की तिलावत करे फूका मारे ते बुखार हट सकता है तो मैं भी तो कुरान पढ़ सकदा हूं मैं भी सूरत इखलास पढ़ सकदा हूं हजरत बाबा फरीदुद्दीन आप अपने हुजरा पाक देने दरे दौलत तशरीफ फरमाने मौलवी साहब जिमें जिमें कुरान पढ़ता जा रहा है उवें उवें बच्चे नूं ज्यादा ही बुखार चढ़ता जा रहा है ज्यादा ही बुखार हो गया इंज कह दियो कि जनाब लाओ गर्दन मरोड़ बुखार हो रहा है मां जड़ी बड़ी परेशान हो गई मौलवी जी ये तो बच्चा गलियाल हो जा रहा है इनू तो सियादियाबी नहीं हो रही ये अगे नाल भी बीमार हो रहा है वो आवाज
आवारा मौलवी आवारा मौलवी कहते ए बीबी बह जा मैं आ वही ना और जनाबे वाला ओ मौलवी दौड़दा दौड़दा हजरत बाबा फरीदुद्दीन को गए हजूर तुसा भी ओई कुल हो अल्लाह हो आहद पड़ी आई ते फूका मारे आई बुखार इना तेज ओ उतर गई आई मैं भी कुल हो अल्लाह तो पढ़ के फूके तू फूका ठा फूका फूके तू फूका मार दो ओ उतरन दे बजाए ओ ज्यादा ही ज्यादा बुखार हो रही है फरमाया मुंह बंद कर ला मौलवी कुरान पढ़ना है ते फिर सुबहान ही फरीदी हो कुरान पढ़े तो मुड़ सुबहान फरीदी हो भी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ते मुड़ मैं जी आखा आओ मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे गुलाम हो आ जनाबे वाला शाह जनाबे कुतुबुद्दीन मुख्तियारे काकी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अकबर मां जनाबे वालो उस्ताद जी को ले गया ने उस्ताद जी आ मेरा बेटा है इनू कुरान की तालीम दो हुण जनाब उस्ताद जी फरमा दे पढ़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम किबला भाई यूनुस साहब बड़ी मोहब्बत वाला तुहानू नजर दे रही हूँ अहले जौक लोग बैठे हो अलिफ लाम मीम तो जो शुरू होया है ते पढ़ता जा रहा है पहला सिपारा दूजा चौथ जनाब चौथा पंजवा हत्ता के पंद्रवा सिपारा आ गया अल्लाह का कुरान पढ़ता है सुबहान अल्लाजी असरा बेअबदी ही ते उस्ताद हैरान हो गया ए बच्चे आ एक ही गल फरमाया उस्ताद जी मेरा कमाल नहीं है जो मेरी मां मैंने दूध पिलाया कर दी आई और मेरी मां कुरान की तलावत कर दी रहती आई मेरी मां पंद्रह सपारिया की आवजा ते कारी आए वो पढ़ दी आई इस वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कुरान पंद्रह सिपारे याद अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ये शान है खिदमतगारा का ए शान है खिदमतगारा दा सरकार दे आलम क्या होगा अजीजा ने ग्रामी कदर ए पता चलिया कुरान दी शान है ए कुरान दी अजमत है अल्लाह अकबर जी ईसा अलैहि सलाम दे जमाने च अगर माई जनाबे वाला अपने बाल नूं उस्ताद को लै गई आ जनाबे क्यों इस वास्ते जदों बीवी आमला है खामिद कहन लगा नहीं मेरी बीवी है मेरा बच्चा पैदा होवे ते इहनू आलमे दीन बनाई इहनू कुरान इहनू दीन दी तालीम देना इहनू उस्ताद को लै जाना अलीदा ने ग्रामी कदर हुण जदों बच्चा थोड़ा समझदार होया ओ जनाबे वाला खां उस माई का खावे तो चुके फौत हो गया है कई दिन ने हजरत ईसा अलैहि सलाम देने उसकी पहले कबर च अजाब हो रहा सी उन्हें जनाब लाओ जन्नत दियाँ क्यारियाँ जो क्यारी बनी हुई है तो खुशबुआ दे हुले आ रहे ने अर्ज की मौला एदी वजह की है फरमाया जदों मरिया सी ओ तो जनाब वाला दी बीवी नू जनाब वाला बच्ची बचाओ ना लो एदी बीवी आमला सी अज बेटा पैदा होया है अज जनाब कारी कुरान गुल माई लै गई है हाफ जनाब आपदे कुरान माई को जनाबे लै गई है कारी साहब को लै गई कुरान तिलावत कराने वास्ते इल्मे दीन हासिल कराने वास्ते उन्हें पढ़ा के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह कहता है मैनू हया आ गई है मैनू रहम आ गया केड़ा मैनू रहमान रहीम जमीन ते जपदा है मैनू पुकार दा रहमान दे रहीम जिंदे बच्चे दा ए आलम होवे ईसा अलैहि सलाम दे जमाने च अगर उस्ताद रहमान ते रहीम पढ़ावे ते बाप दी कबर जन्नत दे बाग च बाग हो सकदी है ते चिश्ती नूं चमलाया खण दे मेरा नबी दी शान मेरे नबी दी उम्मत दी शान अदीदा ने ग्रामी कदर ईसा अलैहि सलाम ओ नबी है जिन्हों मेरे नबी दे सदके अजमता मिली हो शाना मिली हो ते मुड़े ज कहण दियो मेरा नबी भी आ लो मेरे नबी दी आल भी बोलिया जे मेरे नबी दी आल भी आ लो मेरे नबी दे साहब भी आ लो अल्लाह अकबर मेरे नबी दे अजवाज मुतहरात भी आ लो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्के च गए मक्का भी आ लो
मेरे नबी मदीने गए, मदीना भी आ लो, जे मेरे नबी दे कुरान ना दिलाई किताब ले रहा है बेअब किताब ओ भी आला है। हुन चिश्ती नु आखण दियो ईसा अलैहि सलाम दे जमाने दा बच्चो बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम अगर इन्ना पढ़े ते बाप दी कबर जन्नत दे बागा चो बाग बन सकदी है, जन्नत दी क्यारियां चो क्यारी बन सकदी है। ओ जामिया मस्जिद बहारे मदीना गुलशने गौसिया दिलदार आबादी च रहमे शादी नगरी जाना लिया ते मुड़ मैनू आखण दे आखण दे जो मैं कहीं ना अगर ईसा अलैहि सलाम दे जमाने दे दौर दे अंदर अगर बच्चा जनाब बिस्मिल्लाह उस्ताद कोल पढ़े ते अल्लाह बख्श देवे मेरे नबी दी ओ उम्मत दी शान है, मेरे नबी अलैहि सलाम दी उम्मती जनाब वालो उनका बच्चा कुरान दो हाफिज होवे क्यों नहीं आप दे बाप नो आप दी मां नो सत पुश्तां नो बख्शा सकदा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप दे जमाना हयात तैयबा दे अंदर देखो ना बाप नू बड़ा एहसास होंदा है कि मेरी बेटी होवे बेटा होवे मैं कुरान दा हाफिज बनावा है, मैं बेटी होवे नू हाफजा बनावा। एक वो भी अल्लाह दा बंदा रब ने बेटी दित्ती उन्हें हाफजा कारिया आलमा बना दिते है वलिया कह सकदे आ नाल। अल्लाह अकबर। जदों बच्ची जवान हो जाए तो माँ बाप नू बड़ा एहसास होंदा है उनकी शादी करन दा, होंदा कि नहीं। हुण बेटी जवान हो गई हालांकि बेटी का कम की है बच्चों नू कुरान पढ़ाती बच्चियों पढ़ाती दीन दी तालीम आलमा फाजला हाफजा कारी आई लेकिन वक्त गुजरदा गया हूँ जनाबे वाला शादी हो गई है अपने घर जनाबे वाला एक दिन खामिद जी को बैठिया ने सरताजे मन को बैठिया ने आंदे वे मेरे सर दे ताज आ मेरी गल सुनी दे मेरी रखी ला जाओ। फरमाया की गल है? फरमाया मैं चुके आपसे कुरान हूँ मैं कारिया कुरान हूँ मैं आलमा वा मैं दीन की तालीम हासिल की है मैं दीन की तालीम अगे पढ़ाना चाहनी हूँ तेरी की रजा है तेरी की दिल के अंदर हसरत है मैं तो इजाजत लेना चाहनी हूँ मैनू इजाजत दे दी जाए। हूँ कह लगा गल एवें ना ना इजाजत नहीं लेकिन बड़ी गल है मेरे घर के अंदर कुरान पढ़े जाएगा मेरे घर के अंदर इलमे दीन हासिल किया जाएगा इस तू बड़ी मुकदरा नसीबा वाली कोई ऐसी गल नहीं है। उन्हें अपनी बीवी को इजाजत दे दी है बीवी हाफजा कुरान बना रही है कार्य कुरान बना रही है आलमे दीन बना रही है सिलसिला चलता जा रहा है आवाज आई है सुनिया है इत कफन चोर है और जेड़ा भी जना वाला मर जाता है कबर दी त्यो वह कफन चोरी कर लेंदा है। जो जनाब वाला मंजर आए ये जनाब दन्ना के अंदर ये जनाब गल्ला सुनिया आवाज आई फरमाया मेरे सरताज ए मेरे खामद मोहतरम मैं तेरे गल करना चाहनी हूँ केड़ा गल करना चाहनी दस बोल नाले दिल खोल आधी मेहरबानी मेरे सरताज मैं चाहनी हूँ मैं भी हाफजा कारी आलमा वा बड़े मुकदरा वाला जेड़े मेरा तेरा हो निकाह होया शादी हुई है मैं चाहनी हूँ मैं भी दीन की तालीम देवा पढ़ावो सके तेरी इजाजत ते ओ जनाबे वाला इधरू सुनिया है की कर ये पढ़ती पढ़ाती पई है इधरू सुने कफन चोर है वह की करता है कफन चोरी और सके मेरे सरताज इन्ना होने के बावजूद तेन सारा पता है गल एक सुने कफन चोर हाँ है जा बुला लिया और सके गल ए तू गैर मारम तेरे वास्ते वह गैर मारम है तुसी आमना सामना मुलाकात नहीं कर सकते। जदों बीवी ने गल सुनी हो सका हजूर मेरे सरताज ए मेरे सरताज वेख लै मैं तेनों कह रही हूँ मेरी गल मन ला मैं परदे च रह के गल करना चाहनी हूँ मेहरबानी करो कफन चोर नू बुला लिया जाए। कफन चोर आ गया है आप परदे के अंदर रह के आंधी वे कफन चोर आ सुनिया तेरा ना ही कफन चोर है हाँ मैं कफन चोर हूँ मेरे को पैसे लै ला तो जदों मैं मरा तो कफन ना चुराई मैं मरा तो मुड़ कफन
ना चोरी करी पिया हूँ जनाब वाला पैसे जनाब खामे के तरफों दे दिते ने हूँ कफन चोर पैसे लैके कि बुलाओ अपने जनाब वाला घर पहुँचता है बीवी आंदा कि जनाब फलां महल्ले के अंदर एक हाफजा कारी आलमा जनाब बच्चिया बच्चों पढ़ा दी है उन्हें जनाब वाला ए पैसे दिते ने ए दिरम दिनार दिते ने ते ए जनाब वाला कफन दे बारे अंदर मैंने पहले दे दिते नवास पैसे दे दिते ने मैं मरा तो मेरा कफन ना चोरी करी पिया हूँ बीवी बदबख्त ऐसी जनाब वाला कह लगी गल है तू कफन चोर है तेरा काम है कफन चोरी करना ना ना इंज कर तू कफन चोरी करना ही जो कुछ हो जाए को जाए अजीजा ने ग्रेलान हो गया ओ हाफजा कारी आओ आलमा अल्लाह नू प्यारी हो गई इन्ना लिल्लाही वा इन्ना इलैही राजिऊन हूँ नमाजे जनाजे का ऐलान हो गया लोग नमाजे जनाजा पढ़ रहे ने हूँ कबर के अंदर दफनान वास्ते जा रहे ने हूँ जो सारे लोग कबर के अंदर जनाब वाला दफन करने तो बाद वापस आ वेंदे ने उन्हें तनाम निशानी ला दी इतने राति मैं जरूर आना है हूँ लोग तो वापस आ गए ने रात का टाइम हो पिछली रात का टाइम बीवी ने उठाया बीवी ने जो उठाया जा तेरा टाइम हो गया है कफन चोर चलता गया जाके हथियार ले गए उस कबर को पुटना शुरू कर दिता है कबर तू इटा हटाइया ने या कबर तू मिट्टी ला रहा है तो जनाब वाला अपना हाथ जनाब कबर के अंदर रखे आए हाथ पाया है कुदरत कामला दे नाल मतलब आई कुदरत कामला दे नाल हाथ जकड़िया गया हाथ पकड़िया गया आख्या आवाज आई फरमाया जनती मरद जनती औरत कफन नहीं चुरा सकता कफन चोर कह लगाओ मैं गुनेगार मैं कफन चोर हाँ मैं किमें जनती हो गया आवाज आई ए हाफजा है ए कारी आए ए आलम आए इस की बरकत के नाल कुरान पढ़न पढ़ाण की बरकत के नाल ए भी जनती है तो जिन्ना जनाजा पढ़िया है वह भी सारे अल्लाह अकबर कुरबान जावा मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे गुलामो ए शान है कुरान पाक पढ़न वालिया का यारो जे ओ जनती हो सकते ने कुरान पढ़न वाले तो साहब कुरान है उनकी ओ अगर जिन्हू चाहे जन्नत लै जाए अबू बकर फिल जन्ना उमर फिल जन्ना उस्मान फिल जन्ना अली फिल जन्ना अल्लाह अकबर अजीजा ने ग्रामी कदर आओ मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ना प्यार करने वाले हो एक कुरान ऐसी अल्लाह दी लारैब बेऐब किताब है एक कुरान नाल मोहब्बत कर लो मैं हथ बन के चिश्ती आना जामिया मस्जिद बहारे मदीना दिलदार आबादी के अंदर बहार रह मैं शादी नगरी चाना लिया ऐ जड़े जुमले जाया ना करी इत्थे बैठिया तैया कर जिथे गुस्ताखे सहाबा दा मदरसा होवे गुस्ताखे आहले बैत हजूर दे गुस्ताखां दा मदरसा होवे मुनकरां दा मदरसा होवे जिथे बच्चों नाल गलत कारियां होवन अखां ते परदे कोई नहीं हुण लै गए ने हुण भी अखां ते परदे हुण ते तेरी मर्जी ए पिछले तांदरियां वाले दे अंदर भी इस तरह के हाफ़िज़ कुरान ने बच्चे नाल ज़्यादती की थी लेकिन खुदा की कसम है पंजा उंगलां इक्को जिहियां नहीं हैं लेकिन बच्चों बच्चों ही फर्क है हाफ़िज़ा ते कारियां ही फर्क है ओए आलू ते जनाब गोभी गोभी होंदी आलू आलू होंदे ते लेकिन कुछ ऐसे सब्जियां होंदियां ने जिहड़ियां सारियां सब्जियां च मिल जाण वाले वह चीज़ कहड़ी है जिन्हों आलू आखदे आ ये कुरान ही पढ़ाना है खुदा दा ना खोटे खड़े दी ते घोड़े ते जनाब मझ ते गां दी पहचान रख अगर बच्चे नू कुरान दा हाफिज़ करा आख इंशाल्लाह इंशाल्लाह इत्थे दूर ने मदरसातुल मदीना ऐ जिहड़े मदीना मदीना करदे फिरदे ने ऐ अपने मदरसा मदीनातुल मदरसातुल मदीना दे अंदर अपने बच्चियां नू भी कुरान वास्ते अपने बच्चियां नू कुरान पढ़ने वास्ते बेच जिथे कुरान के नाल मुहब्बत है रसूल के हदीस का भी दरस है लेकिन कुरान और हदीस अल्लाह अकबर मेरे को वक्त नहीं मैं बयान करदा मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे गुलामा ए बड़े बड़े लोग बैठे ने ए पढ़े लिखे लोग मोहतरम मंजूर राठ साहब बैठे ने ए माशाल्लाह चौधरी ए अनवर जट साहब बैठे ने ए मेरे सज्जे खब्बे दोस्त अहबाब नज़र आ रहे हैं अज साडे कुरान अलमारी सजा के रख दिता है अंगीठिया के अंदर
दुख वाली बात। फिर असी पीर फकीर पीर को दो नंबर लंडे शाह टंडे शाह गंढे शाह गंढे ही होने ने फिर डंडे ही होने ने लुच्चे शाह उच्चे शाह कुचे शाह पुचे शाह है उइयो जे पीओ जरा वह तवीज धागा देता पे और तेन फलाने बुढ़ी ने तवीज पाता फलाने जादू करता टोना करता मर और जिस घर कुरान हो ते ओ कुरान की तिलावत की जाए ना मैं जिम्मेदारी ना सूरत यासीन दी ते जरा सूरत यासीन या सूरत बकरा की तिलावत करेगा अगर घर के जादू हो टोना हुई हो पढ़न कुरान की बरकत के नाल असर असर नहीं रहिंदा खत्म हो जाता है। और मेरे नबी ने फरमाया जरा सूरत मुलक की तिलावत करता है तो मरदे दम तक उन्नी देर मौत नहीं आएगी जिनी सूरत मुलक ने पढ़ लै। अपने बच्चे नूं कुरान दा हाफिज बनाओ कारी बनाओ ये अंगीठी च ना रखो कुरान पढ़ने वास्ते गारे च बरकत होगी लड़ाइया मुक जाएगियां सस ते सहुरा इन्हां दी लड़ाई मुक जाएगी सस ते नौ दा ये झगड़ा मुक जाएगा। रब्बे काबा की कसम है चिश्तियां दा कुरान पढ़ो ते पढ़ाओ कुरान नूं आम करो ते फिर कुरान जनाबे वाला हार्ट दे कारे ते ऐलान हो रहा है। चौधरी साहब लाडला चौधरी भी आ गए तवजो ए हुण देखे तवजो करना हुण कुरान दे कारे ते हार्ट दे कारे ते कुरान मिल रहा है ते असीं भजदे जांदे कुरान मोटे मोटे लफ्जां दे ते ओ मिर्ज़ियां ते कादियानियां लग ओ साडे बूहे ते नवे कुरान दे छोड़ो नवे पुराने दे दो ते नवे रख लो ते उदो जनाब उहनां ने रद्दो बदल कीती हुंदी को ख्याल करो असी हार्ट दे कारे ते उधारा कुरान पर लेंदे हाँ तो जरा लित्र जहा है चंगी शह है इस वर्गी गंदी भी शह कोई नहीं इन कुरान लोड करके सुन सकते हदीसा सुन सकते हो तो एक मिर्जा जैलमी मगर लत्था नहीं है योजे मौलवियों को सुनया ना करो खुदा का ना ही योजे बचो जिंदे इस तरह मौलाना जिमें ना अपने मुस्तफाई साहब हो गए अल्लाह अकबर अजमल कादरी वर्गे हस्तियाँ मोहब्बत की चाशनी नजर आती है ऐ हार दे कारे ते कुरान ले जांदा ही ते आ 15 ते 20 हजार किन्ने दा है उच्चा बोल जरा सुन इन्हां नूं पता लगे मौली मिंबर ते रसूल ते वे झूठ बोलता है एक लख दा ऐ जनाब मोबाइल लेके आया है हुण जरा गौर कर ए नखदो नखदी ऐ चौधरी भी बैठे ने मोबाइल वाले ओ उधार ते कारे ते हो जांदा है लेकिन डिमांड होती फलाने दिन ते वार इन्ने जनाब नहीं तो पिछले भी अगले भी इवें गल है और तू नखदो नखदी पिया लैंदा ते कुरान उधारा ए कुरान दी शान में बयान कर रहा कल रात ऐसा कहावत रखे माशाल्लाह माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है सुना रहे मसाजिद के अंदर घरों के अंदर भी माशाल्लाह बच्चियां भी कुरान पढ़दियां पढ़ांदियां ने अलहम्दुलिल्लाह बच्चों नूं हाफिज़ कुरान बनाओ कारी कुरान बनाओ पहले अकीदा वेखो अकीदा ठीक है अकीदा भी अपनाओ तवज्जो करना कुरान कुरान पढ़न वास्ते फिर असी लोग कसम कुरान न्या ओ सौ रब दी मुस्तफा जे मैं तेरी कट्टी वछू छड़ी होवे या मैं तेरा पैसा खाद हो बैठा है ना जी आ डेरा चौधरी साहब के राव साहब के राणे साहब का मार साहब के डेरे से फैसले हो रहे हैं कुरान ते हाथ रख ये पैसे मैं क्या बदबख्ता एक कुरान कसम वास्ते नहीं ये न्या चुकन वास्ते नहीं एक कुरान ये झूठिया कसम चुकन वास्ते नहीं एक कुरान पढ़न वास्ते है एक कुरान इत दुनिया से पढ़े कबर च आखरत जी आरे न्यारे यार जिंदा तो सोबत बाकी वक्फ की और मस्जिद का नाम रखे बहार अगे थोड़ा प्यार में बोलना है मदीना बहार मदीना ईमानदारी दसा जो अगे भी तुम नमाजा देखे मैं पढ़िया ए मन फिर कभी वेख्या और जो दीवार ही दसनी होगी दस दीवार मस्जिद की जगह दस ए कभी मंजर वेख्या ही जी बहार लगी है बहारे मदीना इन शाला चाह निसारे मदीना होगा और हर गुरुवार नाम से ध्यान रखे करते हैं और बाबा रहे कुछ सौ रहे बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं और बिल्कुल अपनी तजामे सारी लिखी है
अल्लाह पाक उस सुपरजाम की हिदायत फरमाए। मुजाहिद बच्चे हैं माशाल्लाह, बहुत जवान बच्चे हैं, बड़ी अच्छी नारे निशान है, नारे तकदीर, नारे फैज, नारे नारे सुपरजाम है। एक बार ना चले चले आने का चला आ गया है। लबन 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 नारे रसूल अल्लाह, लबन 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 नारे रसूल अल्लाह। अरे बाबा की कसम है, जाने नसीब वाले मदीना चल रहा है, मैं सारे सलाम पे सुना, अल्लाह